आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल सबसे तेज। सबसे आगे मिशन शक्ति अभियान के तहत बागपत नगर की कोतवाली में महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी शकुंतला गौतम ने फीता काट कर किया, जिसके बाद डेस्क पर फरियाद लेकर पहुंचने वाली पीड़ित महिलाओं का पंजीकरण कर पोर्टल पर फीडिंग कराई गई और उन्हें स्लिप भी उपलब्ध कराई गई। इस दौरान जिलाधिकारी शकुंतला गौतम ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से महिला अपराध पर अंकुश लगाने और पीड़िताओं की शिकायत का जल्द से जल्द निस्तारण करने को लेकर ठोस कदम उठाया जा रहा है। शासन की ओर से महिलाओं को समाज में सशक्त बनाने को लेकर मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया। इस तहत शासन की विभिन्न योजनाओं से महिलाओं को अवगत कराने के साथ उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक कराने को लेकर भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा जनपद के ब्लॉक स्तरीय थानों में डेल हेल्प डेस्क स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है, जिससे पीड़ित महिलाओं को लंबे समय तक अपनी शिकायत का निस्तारण कराने के लिए पुलिस विभाग का चक्कर ना काटना पड़े। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह समेत जिलाधिकारी मौजूद थे। आजादी के 70 वर्षों के बाद देश के अंदर शौचालय नहीं मिल पाया था लोगों को। शक्ति अभियान चल रहा है, उस कार्यक्रम के अंतर्गत आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जिसमें बागपत जनपद में महिला थाना के अलावा जो है 10 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई और सभी थानों में महिला अधिकारियों को भेजा गया है। वो उनके उनके सुपरविजन में जो है पूरा महिला थाना में सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि भी और महिलाओं भी बेटियों इनको सबको आमंत्रित किया गया है। सभी जनप्रतिनिधियों को ये जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है कि नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिए। और जो थानों में हेल्प डेस्क खोली गई महिला हेल्प डेस्क, वो बहुत उपयोगी रहेगी। उसका मुख्य रूप से है कि अभी जो महिलाएं आती थी वो जो है सभी के साथ एक साथ थाने में आती थी, उनके आवेदन पत्र उन्हीं में रजिस्टर में चढ़ते थे। महिला हेल्पलाइन खुलने से उनका एक अलग से उनको एक कक्ष में एक अलग केबिन में उनको सुना जाएगा, उनके सारे कंप्यूटर पर उनके सारे आवेदन पत्र अलग से चढ़ाए जाएंगे, उनके ट्रैकिंग की जाएगी और समयबद्ध निस्तारण उनका किया जाएगा। स्पेशली महिलाओं के से संबंधित जितने आने वाले एप्लीकेशन हैं उन पर फोकस करके उनके निस्तारण की गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं को जितने भी हेल्प संबंधित हेल्पलाइन है उनको उसकी जानकारी दी जा रही है कि 102 जो है 102 स्वास्थ्य सेवा है, 108 जो है वो एम्बुलेंस सेवा है, 112 पुलिस सहायता सेवा है, इसके तक 181 जो है हेल्पलाइन जो है वो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की है, 1076 मानी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, 1090 जो है पावर वुमेन पावर हेल्पलाइन है और 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन है। तो इन सभी हेल्पलाइन की जानकारी सभी आमजन को, महिलाओं को, बेटियों को दी जा रही है, ताकि किसी भी समय यदि किसी को कोई समस्या आती है तो हेल्पलाइन डायल करके वो अपनी समस्या बता सकती हैं और उन पर तत्काल पूरी हमारी जो टीम है पुलिस प्रशासन की जो टीम है पूरी उन पर तुरंत मौके पर पहुंचकर उनका समाधान करेगी और हेल्पलाइन का बहुत फायदा होगा। इस उद्देश्य से ये नारियों, महिलाओं को, बेटियों को, बच्चों को की सुरक्षा के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए ये महिला हेल्प डेस्क बहुत यूजफुल होगी। थैंक यू आंटी।